दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग में। और आज का हमारा टॉपिक है लैरी स्कॉट की बायोग्राफी। तो लैरी डी स्कॉट का जन्म हुआ 12 अक्टूबर 1938 में पोसाटिलो इदाहो नामी जगह पे। लैरी स्कॉट की माता का नाम था थिया स्कॉट और पिता वेन स्कॉट। लैरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की थी कैलिफोर्निया एयर यूनिवर्सिटी से। लैरी को 5 बच्चे थे और उनकी वाइफ का नाम था रिचर्ड स्कॉट। लैरी ने 1956 में वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी, तब उनकी उम्र हो गई 16 साल। लैरी के शोल्डर्स काफ़ी वीक पार्ट थे, वो काफ़ी नैरो थे, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो लैरी बहुत ही फेमस ट्रेनर वेनिस जिरोंडा उनके साथ ट्रेनिंग किया करते थे। लैरी जाना जाते थे अपने 20 इंच के लॉन्ग बाइसेप्स के कारण, जो कि वो काफ़ी अनरियल लगते थे, जो उन्होंने बिल्ड किए थे प्रीचर गर्ल से। लैरी प्रीचर गर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। प्रीचर गर्ल को ही स्कॉट गर्ल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लैरी स्कॉट उसे काफ़ी ज़्यादा का इस्तेमाल करते थे, जो कि वेनिस जिरोंडा ने इन्वेंट किया था। स्कॉट ने 1965 आयरन मैन के इंटरव्यू में अपनी डाइट के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं, मीट, चीज़ और अंडे विद सम प्रोटीन सप्लीमेंट्स। उस टाइम लैरी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिया करते थे। लैरी एक पॉपुलर फिजिक मॉडल थे 1960s में, तब वो कुछ फोटोग्राफर से मिले थे, उनको ज़्यादा ऑडियंस से एंगेज करने में मदद की थी। पॉट मिलो उसमें से एक थे, पॉट मिलो ने उनकी हेल्प की थी द बॉय नेक्स्ट डोर मैगजीन पब्लिश करने में। उसके बाद तो जैसे स्कॉट जो वीडर की सारी मैगजीन में छा गए, जो मिस्टर ओलंपिया और मसल बिल्डर, और जो कि वो IFBB के मेंबर बन चुके थे, तो उन्होंने जो वीडर के लिए काफ़ी बुक्स लिखना शुरू कर दी। तो लैरी 1966 तक बॉडी बिल्डिंग टॉप सुपरस्टार बन चुके थे। और बॉडी बिल्डिंग से लैरी 1966 में रिटायरमेंट दे देते हैं। ये न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग शॉक में हो गए। लैरी की एज 28 होगी। रिटायरमेंट अपनी दूसरी शादी को टाइम देने के लिए किया था। तो रिटायरमेंट के बाद लैरी ने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कंपनी खोल दी, जिसका नाम था लैरी स्कॉट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन नाम से। कस्टम जिम इक्विपमेंट्स और हेल्थ सप्लीमेंट सेल किया करती थी। तो लैरी को 1999 IFBB हॉल ऑफ फेम में बुलाया गया था। उनकी आखिरी पब्लिक इंटरव्यू उनकी लाइफ के बारे में 2012 में हुआ था के टॉक रेडियो नामी पे। तो अब बात करते हैं लैरी की डेथ के बारे में। तो लैरी की डेथ 8 मार्च 2014 में हुई थी, कुछ मर डिजीज़ के नाम से। उस वक्त लैरी अपने घर सॉल्ट लेक सिटी में ही थे। उस वक्त उनकी उम्र थी 75 ईयर्स। अल्जाइमर एक दिमाग की बीमारी है, जिसमें मेमोरी लॉस होता है और ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे वाइटल फंक्शन इंसान करने में असक्षम हो जाता है। तो अब बात करते हैं लैरी के अचीवमेंट्स के बारे में। तो लैरी का निकनेम था द लेजेंड। स्कॉट एक ऐसे बॉडीबिल्डर थे जिन्होंने कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं हारा। उन्होंने पहले मिस्टर ओलंपिया जीते 1965 और 66 कॉन्टेस्ट में। लैरी ने स्कॉट गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा फेमस किया, जो कि इनिशियली प्रीचर गर्ल्स के नाम से जाने जाते थे। वो ऐसे पहले बॉडी बिल्डर बने IFBB के, जिन्होंने 20 इंच आर्म्स बिल्ड किए थे। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आप बताओ आपको बायोग्राफी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।